नमस्ते एवरीवन, मैं वह सर्वेश स्वागत करता हूं आपका द वायरल आयुर्वेदा शो में। कमर दर्द पहले बुढ़ापे की निशानी मानी जाती थी, लेकिन अब लाइफस्टाइल में हुए बदलाव की वजह से यंग जनरेशन में तेजी से बढ़ गई है। तो चलो आपको बता दूं हमारे डेली फूड्स में यूज होने वाले ऐसे 5 चीजें जो बार बार होने वाले कमर दर्द को कम करेगा। सबसे पहले बारी आती है हल्दी की। हल्दी, इसमें पाए जाने वाले कर्क्यूमिन का काम शोधर है, जो ताजी लगी घाव में या कमर में मौजूद जो डिस्क की सूजन है उसको कम करने में बहुत हेल्पफुल होता है। हल्दी में मैक्सिमम बायोलॉजिकल एक्टिविटीज में कर्क्यूमिनोइड्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो कि नेचुरली टिश्यू में सर्कुलेशन मेंटेन रखता है। साथ ही ये साइटोकिन्स और प्रोस्टाग्लैंडिन्स के रिलीज को कंट्रोल करके सूजन को कम करते हैं। आयुर्वेद अनुसार पित्तरेचक, कृमिहर, वातश्रृणुत, ये क्वालिटीज है हल्दी सेवन से। हल्दी सेवन से मतलब शरीर में इन्फेक्टिव अर्थराइटिस हो या डायबिटीज की अवस्था में होने वाले बदन दर्द हो या फिर कोई भी इन्फ्लेमेशन प्रोसेस से होने वाली जो सूजन है उसमें हल्दी इज द चॉइस ऑफ पर्टेंट इन योर डाइट। हल्दी की बात करेंगे हमारे पसंदीदा अदरक की। ये अपने एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों के लिए जाना जाता है। इसके अनेक लाभ है, इसे चाय में, कड़ी, चटनी, कच्चा भी खाया जा सकता है। और ये न केवल हमारे भोजन का स्वाद बढ़ाता है बल्कि हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बेहद लाभकारी है। अदरक का उपयोग प्राचीन काल से आयुर्वेदिक औषधियों में किया जाता रहा है, जो हमारे पाचन तंत्र को सुधारने, प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने और सर्दी जुकाम से राहत दिलाने में बहुत मदद करता है। इसके अलावा अदरक का उपयोग पीठ दर्द से राहत पाने के लिए भी किया जाता है, क्योंकि इसके गुण दर्द और सूजन को कम करने में सहायक होते हैं। तीसरी बारी आती है लहसुन की। लहसुन में एलिसिन नामक एक एक्टिव इंग्रेडिएंट पाया जाता है, जो सूजन को कम करने के लिए जाना जाता है। सूजन अक्सर पीठ दर्द का एक बहुत ही कॉमन कारण होता है और लहसुन का सेवन सूजन को कम करने में मदद कर सकता है, जिससे दर्द में राहत मिलती है। लहसुन ब्लड सर्कुलेशन में सुधार करता है, बेहतर ब्लड सर्कुलेशन करके मांसपेशी और टिश्यू को अधिक ऑक्सीजन और पोषक तत्व प्रदान करता है, जिससे इसका रीजनरेशन तेजी से होता है और दर्द से बहुत राहत मिलती है। लहसुन में उपस्थित सल्फर कंपाउंड मांसपेशियों की शिथिलता में मदद करते हैं। ये विशेष रूप से पीठ के निचले हिस्से की मांसपेशियों में तनाव को कम करने में मदद करते हैं, जो पीठ दर्द का बहुत ही कॉमन कारण लोगों में पाया जाता है। चौथा है पालक। पालक में मैग्नीशियम और पोटेशियम की हाई मात्रा होती है, जो मसल्स के हेल्थ के लिए आवश्यक है। मैग्नीशियम मांसपेशियों की और उसकी रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये मांसपेशियों के तनाव को कम करता है, जो पीठ दर्द के लिए बहुत कॉमन कारण मिलता है। पालक में मौजूद पोटेशियम की जो सही मात्रा है मांसपेशियों की सही तरीके की एक्टिविटीज के लिए आवश्यक होती है। इससे मसल्स में जो एंटन होती है, दर्द होते हैं, क्रैम्स होते हैं, उसको कम किया जा सकता है। पालक में कैल्शियम और विटामिन डी भी होता है, जो हड्डियों की मजबूती के लिए आवश्यक है। मजबूत हड्डियां और आपके बैक का सही पोषण पीठ दर्द को कम करने में आपको बहुत ही मददगार साबित होता है। विशेष रूप से जो ओल्ड एज है, हड्डियों की मजबूती बनाए रखना महत्वपूर्ण है ताकि पीठ दर्द से बचा जा सके। और पांचवा, सहजन। अक्सर इसे कुछ लोग वहम फैलाते हैं कि इसकी वजह से आयुर्वेद दवा का असर कम होता है, लेकिन रियलिटी इसके एकदम विपरीत है। इसमें उपस्थित कंपाउंड्स के एनर्जेसिक प्रभाव देखे जाते हैं। ये दर्द को कम करने में सहायक होते हैं और इसे प्राकृतिक दर्द निवारक के रूप में उपयोग किया जाता रहा है। इसकी पत्तियां और उसकी पोटली बनाकर आप कमर पे सेकें तो इससे आपको काफी दर्द में हल्कापन महसूस होता है। इन आहार को संतुलित आहार में शामिल करके बाकी स्वस्थ जीवन शैली के साथ पीठ दर्द को बेहतर तरीके से आप मैनेज करने में आपको मदद मिलती है। साथ ही पास में किसी वैद्य के पास जाकर पंचकर्म करवाएं। खुद को ऑपरेशन से बचाना हो तो पंचकर्म बहुत ही अच्छा आपके लिए ऑप्शन है। दोस्तों स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।